गुड इवनिंग एवरीवन। आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। सो आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180 डिग्री? एक्सीलेंट आंसर, सब लोग नजदीक थे लेकिन कोई नहीं बता पाया कॉस 180 की वैल्यू कितनी आती है, माइनस। क्लास 12th में एक क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन का, वहां क्लास के 90% बच्चे गलत करते हैं, भूल जाते हैं वो क्लास 11th के दिन। कॉस 180 कितना होता है? माइनस 1। टीचर को भी सोचना पड़ता है कॉज 180 के लिए एक बार को। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने कुछ सवाल दिए थे आपको सी एंड डी फॉर्मूलाज पे, तो मैंने ये सवाल दिए थे शायद आपको 17, 18, 19, 20, कुछ निकले इनमें से एक आध? 21 भी दिया था, निकले आपसे या ट्राई नहीं करे? वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा मुझे जानकर आपने 18 में डाउट है। अच्छा, आपने अर्थ सुनी, आपने भी नहीं किए, नहीं निकला था। चलिए, मैं 16, 18 दोनों तीनों सवाल आपके सामने कराने जा रहा हूं। 16 तो क्लास में करा था बेटा, हाँ क्लास 16 नहीं निकला थे। चलो एक बार 16 भी ट्राई कर लेंगे हम लोग। तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 भी करा रहा हूँ आपको, ये 3-4 सवाल आज मेरे रडार पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 नजर आ रहा है आपको सभी लोगों को, पहले कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। यहां ऊपर क्या फॉर्मूला लगेगा? कॉस ए माइनस कॉस बी। नीचे क्या फॉर्मूला लगेगा? साइन ए माइनस साइन बी। तो एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं पहले इस चीज को, ये मेरे को क्या दे रखा था, मेरी आप हेल्प करेंगे जरा, एक बार क्या था ऊपर, क्या था? कॉस कॉस 5x अपॉन, मैं थोड़ा सीधा करने की कोशिश करूंगा, यहां कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। 9x और 5x कितना हो गया? 14, और 14 का आधा कितना होता है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या यहां, और ये कितना हो जाएगा फिर? साइन ए माइनस बी। 9x माइनस 5x 4x आ गया, और 4x का आधा कितना हो गया? 2x अपॉन साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। 2 आएगा, पहले कॉस आएगा, 17 प्लस 3x 20x हो जाएगा, और 20x अपॉन कितना होगा? 2, हाँ मतलब 10x आ जाएगा। फिर होगा साइन ए माइनस बी बाई 2, 17 माइनस 3 14, और 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7x, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 7x से साइन 7x कट जाएगा, बचेगा कितना? माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। देखिए क्या मेरा राइट हैंड साइड यही आ रहा है क्या? तो प्रूव हो गए, तो इजिली यू हैव टू बी रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी फॉर्मूला बोलते हैं उनको। आई होप दिस इज क्लियर। सो आई वॉन्ट, प्लीज नोट डाउन द सोल्यूशन। If you have done already, then you can copy it. Not an issue. It give you extra practice. If you know already, these questions are very important. अगर आपने नोट कर लिया है तो हम आगे चलें, कॉपी कर लीजिए, नो इश्यू। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा हम टाइम लगाते हैं क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख सकते हैं। ठीक है यार, सोनी ने कॉपी कर लिया, हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा रहता है तो वापस आ जाते हैं बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं निकला ना, आप 17 कह रहे थे ना बेटा, 18 देख ले, 17 तो वैसे ही है, 18 देखेंगे रोहन बेटा। 18 क्वेश्चन में क्या है देखिए, आपको क्या दिया हुआ है बेटा? साइन एक्स माइनस साइन वाई, नीचे दिया हुआ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो ऊपर किसका फॉर्मूला लगेगा?
साइन ए माइनस साइन बी, नीचे लगेगा कॉस, तो मैं यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा यहाँ पे। तो मैंने एलएचएस लिया, इसके बाद सीधा मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस क्या होता है एक्स प्लस वाई बाय टू हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई बाय टू अपॉन में क्या है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस कॉस बी का, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। तो हम क्या लिखेंगे, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू और कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू। अब देखिए अर्श, क्या कोई चीज हम कैंसिल आउट कर पा रहे हैं यहाँ, टू से टू कट जाएगा और कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू और कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू, ये भी सेम ही चीज़ है, ये भी आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। ऊपर क्या बच गया साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू और नीचे कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया ये कॉस थीटा, ये एंगल तो सेम ही आ रहा है दोनों जगह, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ टेन एक्स माइनस वाई बाई टू लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, और देखिए मेरा राइट हैंड साइड क्या है, क्या मेरा राइट हैंड साइड ये नहीं आ गया, तो हो गया प्रूफ एक लाइन का ये। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो आई होप दिस इज क्लियर यू नाउ, कॉपी कर लेंगे बेटा एक बार। Take your time. Question number 21 मैं आप करा रहा हूँ, ऐसे पर स्कूल का फेवरेट सवाल है, वो देते ही देते हैं सब, और हमारा स्कूल भी देता है और आपका भी देता है, क्योंकि ये सबका फेवरेट है, प्यारा नन्ना मुन्ना सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 21 ये मैं कराऊंगा, फिर आपसे एक ऐसा करवाऊंगा। यहाँ पे ऊपर कितनी चीजें दे रखी हैं आपको, तीन चीजें दे रखी हैं, नीचे भी कितनी दे रखी हैं, लेकिन फॉर्मूला लगेगा कि नहीं दो में, कि नहीं दो में लगेगा फॉर्मूला, तो हम फोर और टू में लगा लेंगे फॉर्मूला। सर ये कैसे पता लगा आप फोर और टू में लगाएंगे, क्योंकि फोर और टू को प्लस करो कितना आ गया सिक्स, का आधा कितना होता है थ्री, तो कुछ कॉमन आने के क्या बढ़ जाते हैं हमारे पास चांसेस। अगर मान लो मैं इन दोनों में लगाता तो फोर एक्स और थ्री एक्स कितना आता सेवन एक्स अपॉन टू, थोड़ा गंदा सा लगता है ना, एक राउंड फिगर आता है तो अंदर से खुशी आती है, वो खुशी ही मैं ढूंढने जा रहा था। चलेंगे आगे, तो मैंने ये सवाल लिखा, सवाल मेरा क्या कहता है, ये सवाल कहता है ऊपर क्या दे रखा है न्यूमरेटर में, क्या दे रखा है आपको कॉस 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x अपॉन क्या था साइन 4x, साइन 3x और साइन 2x। तो मैंने कौन कौन से जोड़े यहां पे साथ लिए हैं, मैंने कहा मैं फॉर्मूला किस में लगा रहा हूं 4x और 2x में, नीचे भी साइन 4x और साइन, और इसको मैं ऐसे के ऐसे ही रख दूंगा। मैंने फॉर्मूला लगाया कॉज ए प्लस कॉज बी का, क्या फॉर्मूला होता है टू कॉज, वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा बेटा ये टू कॉज, मैं वो सीधा लिखूंगा a प्लस बी बाई टू, तो 4x और 2x कितना हो गया 6x का आधा कितना हो गया 3x, और क्या आएगा cos 4x माइनस 2x, तो 2x बाई टू कितना रह जाएगा, और ये बाकी cos 2x ऐसे के ऐसे रख दिए, सॉरी cos 2x नहीं cos 3x, कि फॉर्मूला मैंने इन दोनों में लगाया था, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अपॉन में क्या आएगा साइन 4x और साइन 2x में फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा टू
ए प्लस बी बाई टू, तो 4x और 2x, वेरी गुड। और cos x प्लस कितना आएगा, साइन 3x। अब देखूंगा, अब मैं फॉर्मूला तो नहीं लगा पाऊंगा, क्या ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां cos 3x है, यहां पे भी क्या है, तो मैं इनको कॉमन ले सकता हूं रोहन जी, और नीचे साइन 3x है, यहां भी साइन 3x है, क्या मैं साइन 3x यहां से कॉमन ले सकता हूं? तो चलो ऊपर से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास बताइए, cos 3x कॉमन आ गया, कितना बच गया, cos x प्लस 1, नीचे क्या बच जाएगा, क्या कॉमन आएगा, साइन 3x आ गया, कितना बचा, 2 cos x, और यहां कॉमन लिया तो 1 बचा, और ऊपर 2 cos x प्लस 1 है, नीचे भी 2 cos x प्लस 1 है, तो क्या ये कैंसल आउट हो सकते हैं, बच कितना गया मेरे पास, cos 3x अपॉन sin 3x, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वेरी गुड। क्या देखिए, क्या मुझे यही प्रूव करना था, क्या ये तो आ गया, तो हम कितनी आसानी से इन सवालों को कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार कॉपी कर ले, फिर एक सवाल आपसे कराएंगे। कॉपी कर लीजिए एक बार, आपका टेस्ट 7 मई को होगा, कब टेस्ट होगा आपका, 7 मई को होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका अकाउंटेंसी का टेस्ट है, बताया होगा सर ने, ठीक है, और 7 मई को आपका किसका टेस्ट होगा, मैथमेटिक्स का, चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री केवल, ठीक है बेटा, पूरा जितना हो जाएगा उतना, अब वो नहीं देंगे, मतलब 3.3 से देंगे, मतलब 1 और 2 मैं करा दूंगा, वो तो भाई 1 घंटे की है, वो 1 तो उनको भी नहीं कराई मैंने अभी, अभी मेरा मेन काम 3.3 की वैरायटी को करना है, जितना कराया उतना ही देंगे। अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं आगे चल पड़ूँ सर, अब मैं आपसे एक सवाल करवाऊंगा, ये बाकी सवाल अलग तरीके के हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे एक सवाल मैं जरूर करवाऊँ यहाँ बेटा, तो मैं चला मिसलिनियस की तरफ चला, और मिसलियस का मैंने क्वेश्चन नंबर निकाला कौन सा, 2 सवाल आपसे कराऊंगा मैं, इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा, मैं 50 सवाल कर दूंगा उसका कोई फायदा नहीं है, 2 सवाल करके जाओ अपने हाथ से निकालो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपको यहां पे 5 नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा है, ये 3 सवाल आज हमारे टारगेट, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x, हाँ 20 समझा देते हैं एक बार, हम पहले थोड़ा वापस चल लेते हैं जरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ गया हमारे पास, अच्छा बहुत आगे आ गए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करेंगे, ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा किसका, साइन ए माइनस साइन बी का,
और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उनके फॉर्मूले हमारे पास नहीं है, तो यहां तो हम फंस गए, यहां तो हम ट्रैप हो गए। लेकिन भगवान ने अगर सवाल दिया है तो उसका सॉल्यूशन भी दिया होगा। यस वेरी गुड, माइनस कॉमन ले लेंगे यहां, तो नीचे क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, मजा आ गया। देखिए मैं करके दिखाऊंगा जरा, आप सर ने कहा है तो हमें बिल्कुल उसको करना बनता है, सर ने कहा और हमने सवाल को किया। कैसे करें, यहां तो फॉर्मूला लगाया मैंने ऊपर साइन ए माइनस साइन बी का, क्या फॉर्मूला लगेगा, टू ए प्लस बी बाई टू, तो एक्स प्लस थ्री एक्स, फोर एक्स बाई टू, और साइन एक्स माइनस थ्री एक्स, टू एक्स बाय टू, साइन माइनस एक्स आएगा, क्या आएगा, साइन माइनस एक्स आएगा। समझ पा रहे मेरी बात आप, और अपॉन में क्या आएगा बेटा, यहां मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो कितना रह जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या बच गया, लेकिन साइन माइनस एक्स है तो क्या लिखेंगे उसको हम लोग, माइनस एनएस लिखेंगे, क्योंकि साइन के ऊपर माइनस का असर पड़ता है। अपॉन में क्या आएगा, ये माइनस लगा हुआ था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला भी आप लोगों ने बताया मुझे क्या होता है। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है क्या, यहां भी कॉस टू एक्स है, यहां भी कॉस टू एक्स है, तो मैंने इनको कैंसिल आउट कर दिया, यहां भी बस ठीक, और माइनस है, माइनस माइनस भी आपस में, तो ऊपर क्या बच गया, देखिए मुझे क्या लाना था, अरे सर जो सोचा वो मिल गया मुझे, और क्या लूंगा जिंदगी से मैं, साइन एक्स चाहिए था मुझे, मेरे पास आ गया, ठीक है कॉपी कर लीजिए। सर आप होते हो तो सवाल बहुत आसान लगते हैं, और आप चले जाते हो तो सवाल बड़े मुश्किल हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी यही होता है। सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैसा लग रहा है आपको, ठीक है तमर जी मैं चल पाऊंगा क्या आगे, चलेंगे आगे। तो मैं मिसलियंस के तीन सवालों की चर्चा कर रहा था आज, वो आपको आने चाहिए। देखिए जरा एक चीज बताऊं आपको, ये एग्जांपल नंबर 22 नजर आ रहा है आपको यहां पे, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 22 वैसे बता दिया हूं मैं आपको, ये हर स्कूल के पेपर में आता है, फिक्स है, पांच नंबर का सवाल आएगा ही आएगा, ये चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मोदी प्रधानमंत्री रहे ना रहे, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना फेवरेट है लोगों को। बाई चांस नजर आया तो मैंने आपको बता दिया, करेंगे इसको भी हम लोग। अभी मेरा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 नजर आया आपको, मैं नहीं करूंगा, कोई बात चेंज कर लियो अगर ऐसा हो जाए तो। यहां पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वही साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, यहां जोड़े बना लेते हैं पहले हम, किसमें लगाएंगे, क्या क्या जोड़े बनाने चाहिए आपके हिसाब से, कैसे पता लगता है आपको ये, हाँ हाँ मतलब वो देख के लग रहा है कि सिमेट्री सी बन रही है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, तो आप फॉर्मूला लगाइए साइन एक्स प्लस साइन सेवन एक्स का जोड़ा बना लीजिए, और किसका बना लीजिए जोड़ा आप,
साइन 5x और साइन, और इसको मैं 7 पहले लिख दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, बड़ी चीज पहले लिख लेते हैं तो पॉजिटिव में आती है चीजें, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। तो मैंने क्या लिखा यहां, इसको 7x लिख दिया और उसको क्या लिख दिया मैंने यहां पे खाली x। अब आपका काम है, आप लगाइए फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला लगाइए, फिर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालिए, या मैं करके दिखा दूं उसको भी, करिए, करूं मैं, करिए, और फिर कॉमन आ जाएगा, फिर दोबारा फॉर्मूला लगेगा। और क्या तेरे सामने है, सॉरी
बढ़िया किया तूने, तू साइन कोरेस कॉमन निकाला है, फिर बचेगा कितना, कॉस रिएक्ट प्लस कॉस बचेगा, तू साइन कोरेस कॉमन निकालेगा तो तुम निकालोगे अगला करो बेटा, और ये वाले जोड़े बने हुए नहीं निकला नहीं हां बेटा, तो अगला सवाल करेंगे ये आगे क्या कॉमन आ गया प्लस कॉस ये दोनों के ऑन ये कॉस रिएक्ट बन गया एक कॉस अभी तो मैं ट्रिपल का लगा रहे कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या है 2 cos a plus b by 2 3x और x और x by 2 तो 2x आ गया 3x माइनस 2x by 2 ये तो अंतर आ रहा था 2 जो 4 9 4x cos 2x तो cos 2x अंतर क्या है अगला लगा हाँ लगा दो ये तो अंतर आ रहा है तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा था फिर 2 4 हो गया 4 sin 4x cos 2x cos x अरे ये क्या दिया था 4 cos x cos 2x sin 4x आगे पीछे क्यों है वो तो मल्टीप्लाई रहे हैं 4 भी अलग रहे 2 4 भी आ गया sin 4x भी आ गया cos 2x भी आ गया cos 2x भी आ गया बच्चे की जान लेगा क्या है क्या सातवां छठा कर दो हां वन वन था नहीं ये दो में कॉमन लिया था टू और सेवन फोर कॉमन लिया ये क्या सेवन फोर सिक्स का बच्चा और सेवन मेरे साइन टू पॉइंट फोर कॉमन लिया बच्चा अगला तरफ छटा करो टमाटर हो गया बेटा ये तो जोड़े बुझी रहे हुए अरे फॉर्मूला लगाओ फिर कुछ कॉमन आएगा फिर थोड़ा बड़ा सा बात
क्या जोड़े बनाओगे, कितने से जोड़े बनाओगे? हाँ, 3x और माइनस 10x का बना, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ जी, रोहन जी समझ आ रहे हैं क्या? हाँ, क्या वो मुझे टीगर में क्या दिक्कत होगी? टीगर में बस बस बड़ा सादा कार से दूर भी है, फिर स्कूल से आऊंगा और सीधा निकलना पड़ेगा 10 मिनट के अंदर। अगर मेरे का एक भी मैं नहीं आता तो एक दिन हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस लिखनी है। नंबर टू ये देखो, अगर मैं कहीं अब इकोनॉमिक्स में कंपटीशन बहुत से आती है कि अगर मैं ये नहीं ज्वाइन करता और मैं कहीं और ज्वाइन करता हूँ तो तू क्या अपनी पढ़ाई को मैनेज कर पाएगा? ये अभी कोई आफत नहीं है, कहीं बीच में जमा करियो, कहीं उसमें जमा करियो, सोचियो कि मैं बाकी टाइम में अगर कहीं ज्वाइन करता हूँ तो मैं कैसे मैनेज करता हूँ। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? खुद से अपने आप से बात करियो कि जब तक तुम अपने आप से बात नहीं करोगे तब तक तुम मतलब सोल्यूशन नहीं निकाल पाओ। उसके बाद मेरे भाई भी सर मुझे और जगह पाओ, फिर ठीक है, कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा। हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ मैथ अकाउंट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है ओवरऑल ग्रूमिंग। अगर तेरे मैथ अकाउंट में 100 आ गए और इको इन्वेस्टिंग में नहीं आए तो हमारे मैथ अकाउंट किस काम का है? तो मैं विजय सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? और आज कल का जब तक खुद नहीं मरोगे, देख जब तक रोटी हम खुद तोड़ के नहीं खाएंगे तब तक हमारे नहीं आएंगे, बिना और बिना भरे नंबर वेरी गुड, एक्सेलेंट, जस्ट लाइक गुड। कमिला समर शर्मा जी, जी कहां पढ़ते हैं मेरे बच्चे? बाकी सारे कर गए समर वाली में, थोड़ा इंग्लिश तेरी करनी पड़ेगी। टाइम तो उसका मुंबई का होता है, ये सेम एंगल ले लिया है एम कॉम करो सारे से पवन पवन का लगा देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ एक बार। कुछ बच्चों ने कहा थोड़ी सी हमें तकलीफ है,
तकलीफ को हम दूर करते हैं। फिर आपको असाइनमेंट भी दूंगा मैं, अभी तो आप एनसीईआरटी के सवाल ही नहीं कर रहे हो, कुछ बच्चों को तो दिया था मैंने लेकिन थोड़ा और रिफाइन करके दूंगा नया वाला। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, अब 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये और ये मैं जोड़ा बना लेता हूँ, आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या हो गया बेटा, साइन क्या लिखेंगे, साइन 3x माइनस साइन एक्स प्लस साइन 2x, साइन 3a माइनस साइन x, इसमें क्या लगेगा 2 cos 3x प्लस x 2x आ गया, फिर लगेगा साइन प्लस। अच्छा क्या मैं, अब देखो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन नहीं आ रही थी, मैं कॉमन कैसे निकालूंगा, तो साइन 2x को मैंने क्या लिख दिया 2 sin x cos x। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, sin x आ रहा है, बच कितना गया मेरे पास cos 2x प्लस cos x बच रहा है, यस और नो। क्या मैं यहाँ cos a प्लस cos b का फिर से फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्या, क्या आएगा टू कॉस टू एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 3x बाय टू, ये तो कटेगा नहीं, और ये कितना आएगा कॉस, देखिए क्या आंसर यही आ रहा है, क्या आंसर देखिए यही आ रहा है, 2 × 4 साइन एक्स कॉस एक्स बाय टू, उसी ऑर्डर में लिख दिया जो आंसर है मेरा, हैंस प्रूव हुआ नहीं हुआ। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, अभी हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आप फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर पाए। कॉपी कर लीजिए सर इसको, दो सवाल और करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैसा लग रहा है ये सी एन डी वाले फॉर्मूले ज़्यादा आपके अप्लाई, यही क्वेश्चन आते घूम फिर के, जैसा 8वां 9वां 10वां सवाल है ये भी आएगा या आएगा एग्जाम में, रटे रटाए सवाल हैं, वही सवाल आ रहे हैं, इतने सालों से कराए जा रहे हैं, कोई नयापन नहीं है। लेकिन आप बच्चों के साथ हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं, नहीं कुछ कराना है बच्चों को। मैं तो फिर क्लास 11 में फेल हो गया, देखिए फिर 11वीं में आ जाता हूँ हर साल, 11वीं 12वीं 11वीं 12वीं, एक्सपीरियंस ऐड होता रहता है, जमाने निकल के पढ़ाते पढ़ाते। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का क्या है होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, इसको क्या प्रूव करना है मुझे, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो मेरे पास कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला है या नहीं है, मेरी हेल्प कर दोगे जरा क्वेश्चन नंबर 4 में, मैं एलएचएस ले रहा हूं, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस भी तो आएगा आगे बेटा, दोनों साइन आएंगे 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 और साइन एक्स माइनस 1/2, और पूरे का क्या है ये स्क्वायर, प्लस में क्या है साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसका फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और इस पूरे का ही क्या है स्क्वायर। अब मेरी ड्यूटी बनती है मैं इनका स्क्वायर निकालूं, क्या स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर क्या होगा साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 का साइन स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, साइन पे स्क्वायर लगेगा, और क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, प्लस में क्या आ जाएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, प्लस 4, इसका स्क्वायर खोलो क्या आएगा बताओ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, और इसका क्या आएगा बताओ, आप ये बात एग्री करते हैं क्या रोहन जी, क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 सर 4 आ रहा है, कौन 4 भी आ रहा है
यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू है, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू है, तो मैंने सोचा क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। बच कितना गया, ये बच जाएगा एक तो मेरे पास, और मेरे पास ये बच जाएगा। इसका मतलब क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। मेरी मैडम ने मुझे नाइन्थ क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है। मेरी मैम का फॉर्मूला मुझे आज याद आ गया, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये दोनों एंगल क्या हैं, सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, और वन को इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, देखिए क्या मेरी राइट हैंड साइड कहीं यही तो नहीं आ रही है, यार जादू है, कितनी आसानी से सवाल निकल रहे हैं, सी एन डी के फॉर्मूले भरे पड़े हैं, कॉपी करेंगे। रोहन जी समझ में आए हैं आप, कॉपी कर लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है ये भी। आपको क्वेश्चन नंबर तीन नजर आ गया होगा, समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर तीन आपका इंतजार कर, कॉपी कर लो पहले।
मैं करके दिखाऊंगा आपको सर। इन्हीं क्वेश्चन का छोटा था, 5 मिनट का टेस्ट भी लूंगा जो अभी तक कराया मैंने, अगली बार 5 मिनट का ही। ये देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे थे हम लोग, 3 की बात कर रहे थे। देखिए बहुत जगह मिल गई हमें। तो इसका क्या फॉर्मूला लगेगा थर्ड में? कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस और ये कितना आएगा? सारा खेल किसका है? फॉर्मूलों का है। कितना आएगा? स्क्वायर स्क्वायर खोलो, कितना? ट्रिग्नोमेट्री तो मारुति की गाड़ी की तरह है, हवा पानी सही रखो गाड़ी दौड़ेगी, फॉर्मूले सही रखो गाड़ी दौड़ेगी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कितना बच गया अंदर? अब कॉस पर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस। और मुझे मैडम ने बताया था नवी क्लास में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा ये? और मैं फारसी कह रहा हूं तब से आपसे, यही तो मैंने कहा आपको। बात समझ पा रहे हैं मेरी? आप कैसा लगा आपको ये सवाल? कॉपी कर लीजिए, फिर आपको 4-5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं अभी आपको, अब कर लेना, भूलना नहीं है। और देखो 6 क्वेश्चन भी रिपीट करना है मेरे बच्चे। तो मैं चला थोड़ी आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे आप? क्वेश्चन 2 में यही हिंट है, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ कॉज ए माइनस कॉज बी का फॉर्मूला लगाएंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कट पिट के सब कुछ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अपना मिसलियंस का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना है एक तो आपको, ठीक है सर। और इसके अलावा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आपको करने ही करने हैं। वो एग्जाम्पल है आपके मार्क कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 15, 13, 12, 11, 10 ये करने हैं, लिख दिए। इसके अलावा एक एग्जाम्पल लिखिए 18, 19, 10 से लेके 17 तक करने हैं। हाँ 10 से लेके 17 तक कर लेना।